हे क्यूरीज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज ना मैं ब्यूटीफुल सा वैलेंटाइन डे मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। काफ़ी सुंदर है, अच्छा है, सिंपल भी है एंड अच्छे से आप क्रिएट भी कर सकते हो, आसान भी है क्रिएट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम स्किन को प्रेप करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन को प्रेप करना। तो सबसे पहले मैं प्राइमर लूँगी, ये है ब्लू हेवन का प्राइमर, बहुत अच्छा प्राइमर है। तो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ ओपन पोर्स होते हैं। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड जो पोर्स होते हैं वो भी नहीं दिखते फिर आपके बेस पे। तो मैं अच्छे से लगा लूँगी प्राइमर एंड फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। आप बिगनर हो तो आप टेप लगा लेना, बहुत आसान आई मेकअप है, बहुत सिंपल भी लगता है। तो पहले मैंने कंसीलर लिया, बहुत कम कम लगाना क्योंकि कम कम ही लगाना है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं लगाना ना, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ओवर। तो हल्का से लगा के ब्लेंड करना है। यहाँ पे जो मैं ब्रशेस यूज़ करी वो जोवा गैन जो कंसीलर है वो है मेरे स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी ब्यूटीफुल बेस है आज का जो आई मेकअप लुक है ना, ये मैंने लाइक इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा देखती थी तो आई थॉट कि मुझे भी ये क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने हुडा ब्यूटी में से नॉटी पैलेट ली थी। आपको ज़रूरी नहीं है कि यही पैलेट लेना, आप कोई भी ब्राउन कलर आई शेडो वाली पैलेट ले लेना। तो हल्का लाइट ब्राउन कलर लेके क्रीज पे लगा लेना, मुझे बेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ना मुझे ब्राउन कलर नहीं मिल रहा था। तो सब इसके बाद ना मैं क्या करूँगी, डार्क ब्राउन लेके ना आपको एक फ्लैट ब्रश में आउटर वी पे ऐसे वी बनाना है फिर बहुत स्मूथली ब्लेंड करना है, बहुत स्मूथली रफली लगा लो पर ब्लेंड आउटर वी पे ही करना है, अंदर की तरफ नहीं लेके जाना है। इनर कॉर्नर पे आपको वाइट कलर का आई शेडो लगाना है स्किन कलर का, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी ब्रोज को फिल कर लूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी का आईब्रो, जैसे जेल लाइनर है ना उसी से मैं आईब्रो फिल कर लूँगी बहुत अच्छे से। इसके बाद मैं लाइनर के लिए इनसाइड का लाइनर यूज़ करूँ, काफ़ी अच्छा वाला लाइनर है जो 60 का आता है एंड बहुत ब्यूटीफुल लाइनर है। इसके बाद मैं मस्कारा के लिए मेबलिन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। देखा कितना सिंपल और एलिगेंट लग रहा है मेरा आई मेकअप लुक, बहुत अच्छा लगता है। आप लैशेज भी वेयर कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, तो चार चांद और लग जाएंगे बट मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहती थी इसलिए मैंने लैशेज नहीं वेयर करे। इसके बाद ना मैंने फाउंडेशन डॉट डॉट करके लगा लिया है, फाउंडेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैंने बेबी ऑयल लिया ना, ये ना थोड़ा हाई कवरेज फाउंडेशन, बेसिकली मैं ब्राइट्स पे यूज़ करती हूँ उसको, बट आई थॉट कि मुझे यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी ना, लाइक मैंने अपने ले लिया था मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी। तो आई थॉट कि ये फाउंडेशन वैसे पुडेर का है एंड मैं अपनी लाइक जहाँ जहाँ यूजल प्लेसेज होते हैं वहाँ वहाँ मैंने फाउंडेशन लगा लिया एंड ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्रशेज भी जोवा के ब्रशेज हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय करे थे। इसके बाद मैं कंसीलर ले रही हूँ, अपनी अंडर आइज के नीचे लगा लूँगी, बहुत कम कम लगाना है, हमें ना वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ जाता है क्योंकि ना ताकि कैमरा अच्छे से कैप्चर कर ले मेकअप को, राइट। पर आपको बहुत ही कम कम लगाना होता है, बहुत थोड़ा सा, मतलब मैं जितने लगा रही हूँ उतना ही पर हल्का सा कम क्योंकि लेस इज मोर इन मेकअप, राइट। एंड लेस लगाओ, ब्लेंड करो, आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे एंड अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड में यहाँ पे मैं ना अपने फिंगर्स की मदद से ब्लेंड कर रही थी क्योंकि अच्छे से ब्लेंड हो रहा था एंड बहुत अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद मेरा फेस काफ़ी फ्लैट दिखने लग गया था तो मैंने क्या किया, आईटेक डार्जलर का कॉन्ट्रोल पाउडर लिया एंड ब्रॉन्जिंग कर ली ताकि जो मेरा फेस का यानी सी कितना अच्छा कट आ गया एंड इससे ना फेस बहुत ही मॉडल टाइप पतला से दिखने लग जाता है। जॉ लाइन पे भी कर सकते हो अगर आपकी डबल चिन है, मेरी तो जॉ लाइन तो ठीक हो चुकी है, पहले नहीं होती अब हो गई है, पर इंडस्ट्री कितनी शार्प हो गई है ना। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग ताकि मेरे फेस पे अच्छे से कट आ जाए, काफ़ी अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत वाइट हो जाता है ना आपका बेस, सच बताओ तो। पर जब आप ब्रॉन्जिंग कर लेते हो ना तो आपके फेस में एक वॉर्म कलर टाइप आ जाता है। तो मैंने ब्रिज ऑफ दी नोज़ की साइड में भी कॉन्ट्रोलिंग कर ली ताकि नोज़ पतली तीखी दिखे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेस, एक सेकेंड जूम करके देखो कितना ड्यूई लग रहा है, लाइक कैन यू सी, लाइक बहुत ड्यूई लग रहा है जस्ट बिकॉज मैंने ऑयल अप्लाई करा था, बेबी ऑयल अपने ब्रश पे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं ब्लश के लिए अप्लाई करी हूँ, के प्ले का ब्लश फ्रॉम माई ग्लैम, बहुत अच्छा ब्लश है। तो यहाँ पर मैंने पीच शेड लिया एंड अपनी लाइक चिक्स पे लगा रही हूँ, थोड़े से ऊपर चिक्स, अगर आपका फेस बहुत पतला है तो अपने चिक्स पे लगाया करो, एप्पल चिक्स पे। बट अगर आपका फेस बहुत लाइक अगर आपके डबल चिन है, फेस पे फैट है तो आप थोड़ा अपलिफ्टेड करके लगाया करो, इससे फेस अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इनसाइड का हाईलाइटर ले रही हूँ शेड 01, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं ब्रिज ऑफ दी नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, बहुत कम लगाना है, बहुत कम एंड हल्का हल्का चिन पे, क्योंकि जब आप हल्का सा बेबी ऑयल ऐड करोगे ना तो डूईनेस आ जाएगी एंड ऑयल फील नहीं कराता, बेबी ऑयल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा
अच्छा लगता है फेस पे। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन इनसाइड, सॉरी ब्लू हेवन की लिपस्टिक है। इसमें मेरा शेड है 08 एंड मैं अप्लाई कर लूँगी लिपस्टिक अच्छे से। एंड वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक भी कर दो ना, इतनी कंजूसी क्यों कर देते हो, कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ये है मेरा फाइनल लुक, कितना सिंपल है ना, और बहुत अच्छा भी है, ऐसे क्रिएट भी कोई भी कर सकता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।